बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। यूरोपियन टीवी में तमाम देखने वाले नाज़रीन का खुश आमदीद, वेलकम जनाब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू जनाब। जितने भी दोस्त हमें देख रहे हैं और वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और अपना प्यार जो है ना वो कमेंट में ज़ाहर करते हैं, और बहुत शुक्रिया, थैंक यू आप सब के तामन का जनाब। माशाल्लाह बहुत अच्छी जो है ना वो हमारी स्टोरी चल रही है और सारे दोस्त भी बहुत मज़े से देख रहे हैं। और माजरत, मैं कमेंट्स का जवाब जो है ना वो आजकल नहीं दे पा रहा, मैं थोड़ा सा जो है ना वो एक अब कह लें कि गैर मामूली सा मसरूफ़ हूँ, थोड़ा सा ना अपनी पढ़ाई के हवाले से। यहाँ पे मैं कुछ एक डिप्लोमा कर रहा था, तो फिर उसके लिए जो है ना वो 6 से 7 घंटे रोज़ पढ़ना पड़ता है, तो क्योंकि वो इटालियन लैंग्वेज में है और उसके लिए ज़बान जो है वो आना जो है ना वो ज़रा अच्छी बात है। तो साथ में एक तो ज़बान चल रही है और दूसरा वो डिप्लोमा भी कर रहा हूँ, तो इसलिए कमेंट्स का रिप्लाई नहीं कर पाता। तो वीडियो भी जो है ना वो आजकल बड़ी मुश्किल से बना रहा हूँ, अभी मैंने सैरी की है, सैरी करके तो फिर इसको मैंने जितनी बनानी है बना के फिर साथ ही अपलोडिंग पे लगा देनी है, कि तो नेट भी इतना स्लो है कि वो बड़ी देर से जाके अपलोड होती है और फिर शाम को जो है वो पब्लिश भी करनी होती है, तो इसलिए जो है ना वो ऐसा कुछ निज़ाम है। तो चलें जी शुरू करते हैं अपनी स्टोरी जनाब। लास्ट में हम पहुँच गए थे कि वो बंदा हमें सारे जो है ना वो 5 दिन अपने घर में रखने के बाद वहाँ से फिर लेके निकला बॉर्डर की तरफ ना, तो वहाँ पे उसने कहा जी आर्मी जो है ना वो आ जाएगी, यहाँ पुलिस का ख़तरा होता है, तो इसलिए आपने बड़े ध्यान से आना और मेरे पीछे पीछे आ जाएँ, तो सामने पहाड़ पर चढ़ना है। तो अभी जो मकदूनिया और सर्बिया का बॉर्डर लाइन था ना वो उसमें एक सिर्फ सड़क थी, सड़क भी नहीं थी बल्कि एक जो है ना वो एक एकड़ ज़मीन थी जो बंजर थी और तार वगैरह कुछ भी नहीं लगा हुआ था। तो उधर से जिन लोगों ने ज़्यादा पैसे दिए होते हैं ना वो थोड़ा सा रिस्की होता है, आगे गाड़ी हो तो फिर बंदा निकल जाता है, तो जिन्होंने ज़्यादा पैसे पे किए होते हैं उनको उस तरफ से ले जाते हैं, वो मैक्सिमम जो है ना वहाँ से 1.5 घंटा लगता है, तो आप सर्बिया में एंटर हो जाते हैं, टैक्सी वाला आपको उठाता है और रफू चक्कर हो जाता है। तो जिन्होंने पैसे बचाने होते हैं हमारी तरह कम पैसे देते हैं तो वो फिर उनको लेके जाते हैं पहाड़ों वाली तरफ से, और वो इतने ऊँचे ऊँचे पहाड़ चढ़ने पड़ते हैं कि जनाब बंदे की जो है ना वो बस हो जाती है। खैर वहाँ पर जो है वो हम सारी रात चलने के बाद जनाब वो पहुंचे उस जगह पे, 3 बजे का टाइम तकरीबन हो गया था, ऊपर जहाँ पे वो था गश्त वाली सड़क थी, चेक पोस्ट बनी हुई थी सर्बिया के साथ में, तो वहाँ पे जब हम पहुंचे हैं तो उसने कहा जी बस सामने गाड़ी खड़ी हुई है आर्मी वालों की, तो अभी इनको एक दफ़ा इधर जाएगी तो फिर हमने दौड़ के सड़क क्रॉस कर लेनी है और यहाँ से नीचे उतरना है, तो बिल्कुल खामोशी के साथ यहाँ से नीचे उतरना है क्योंकि आगे जो है ना वो एक पुलिस की चौकी आ जानी है, वो बिल्कुल बॉर्डर के साथ है, जहाँ से हमने नीचे उतरना है ना उधर ही चौकी है बॉर्डर के साथ, तो अगर आप लोगों ने शोर किया तो फिर पकड़े जाना क्योंकि गेमें नीचे से पकड़ी जाती हैं, बड़ा रिस्की है, बस ये आधा घंटा आप जो है ना वो चुप करके निकाल लें तो इसके बाद फिर आप नाचते भंगड़े डालते जैसे मर्जी आप जाएँ वो हम आपको नहीं रोकेंगे, फिर हम इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे, लेकिन ये आधा घंटा बहुत हसास है, बिल्कुल आप कंट्रोल लाइन के ऊपर है, तो यहाँ पे प्लीज़ अवॉइड करें आप शोर या कुछ भी नहीं करना। हमने कहा जी ठीक है, तो फिर भी देख लें अगर जनाब वहाँ पे वो 70-75 बंदे थे, हम बातें कर रहे हैं ना, तो उसने कहा कि लेट जो अभी नीचे, क्योंकि वो पुलिस जो आर्मी वाले दोस्त हैं ना वो गाड़ी से नीचे उतरे हैं और उन्होंने सड़क पे ऐसे राउंड किया है और शायद उनके पास वो नाइट विजन दूरबीन थी जिससे वो देख भी रहे थे, हमें तो नहीं पता चल रहा था लेकिन नाइट विजन से तो पता चल जाता है ना कि बंदे किधर बैठे हैं, दरख्तों में या पत्तों में जिधर भी छुपे हों, तो वो एक जो है ना वो रेड कलर का सारा निज़ाम बन जाता है, रेड कलर में पता चल जाता है कि ये बंदे इधर बैठे हुए हैं जी।
तो उन्होंने हमें जो है वो ट्रैक कर लिया, लेकिन हमें इस बात का नहीं पता था। तो वहां पे अचानक ही वो गाड़ी में बैठे और वहां से चले गए हैं। तो वो डैंकर ने देखा, खड़ा हो गया, वो कहता है पर जो बड़ो निकलो। तो वहां से जनाब जो ही हमने ये बात सुनी, हमने वहां पे अपने अपने घोड़े जो है वो कथ लिए, दगड़ दगड़ हो रही है, भागे सड़क आगे आ गई है जनाब। वो सिंगल रोड एक कच्चा पाया था पहाड़ी के ऊपर, तो जिसके ऊपर सिर्फ आर्मी की गाड़ियां चलती थी पेट्रोल वाली। तो वो पेट्रोलिंग जो सड़क थी वो हमने क्रॉस की और वहां से नीचे उतरे, तो वो बिल्कुल ऐसे जो है ना वो हमें 80 के जाविये पे उसको हमने अब चढ़ाई की उसके ऊपर। और अभी नीचे उतरना था वो भी तकरीबन ऐसे ही था कि टहनियों को पकड़ पकड़ के नीचे आना था, बिल्कुल ऐसे पानी वाले झरने के अंदर से हमने जाना था, जहाँ से बारिश का पानी नीचे जाता है, वो रास्ता बना हुआ था वाटरवे। तो वहां से जनाब फिर हमने आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतरते गए उतरते गए। तो जो ही हम बिल्कुल नीचे उतरे हैं ना, तो आगे अब बना एक दोनों तरफ ना वो बड़ा सोहना सा रास्ता बना हुआ है, इस तरफ भी जो है ना वो बाग है, इस तरफ भी बाग है। तो दरमियान में इतनी सी जगह है कि दो बंदे जो है ना वो उसके ऊपर चल सकते, मतलब मोटरसाइकिल चलने की जगह आप समझ लें कि सिर्फ बंदा मोटरसाइकिल उस पर चला सकता है। तो वहां से हम जा रहे हैं ना, तो लाइन बनी हुई थी जाहिर है, तो लाइन के अंदर तकरीबन 70-75 बंदे थे हम जितने भी। तो वो तकरीबन कोई इतनी वो जगह बनी हुई थी, उसके इधर भी जाली लगी हुई, इधर भी जाली लगी हुई है, और पतली सी बनी हुई थी कि उसके अंदर 100 बंदा जो है ना वो लाइन में जा रहा होना तो पूरा आ जाता। खैर जो ही वहां पे हम गए हैं ना, तो उसके अंदर वो बड़ी मजे वाली बात, वहां पे उस जगह जो ही हम पहुंचे ना, तो जनाब अचानक जो है ना वो सामने से दो लाइटें ऑन हुई हैं, दो सेंटर से ऑन हो गई हैं और दो ही जो वो पीछे वाले रास्ते से ऑन हो गई। तो यक जुबान होकर सबने कहा है स्टॉप पुलिस, स्टॉप पुलिस, स्टॉप पुलिस। तो जो ही उन्होंने कहा है जनाब, तो लड़कों ने कुछ लड़कों ने दौड़े लगा दी और कुछ जो है वहां पे बैठ गए, हम जो है वो साथ ही छुप गए। लेकिन छुपना क्या था, उनको तो पता था कि ये उनका एरिया है और ये जगह का मालिक को क्या है। फिर उन्होंने सबको जनाब पकड़ लिया और हम सारे परेशान हो गए। हमने कहा यार कि ये अभी देखो इतनी ज्यादा ओवर से चढ़ाई करके आए हैं, तो किस्मत ही खराब है, यहाँ पे आके पुलिस ने पकड़ लिया, पीछे किसी ने भी नहीं पकड़ा। अभी वो भी बॉर्डर एरिया के ऊपर उन्होंने जनाब हमें जो है वो वहां से इकट्ठे किया सबको। अभी गाड़ियां आ गई, आर्मी वाली गाड़ियां आ गई, क्योंकि उनको वायरलेस हो गई हुई थी ऊपर से कि बंदे आ रहे हैं, उन्होंने इधर से उतरना है तो लहजा आप आगे आ जाए। तो वो तीन गाड़ियां पुलिस की वहां पे खड़ी हुई थी, गाड़ी वो पीछे खड़ी करके आ गए और आप जो वो लोग इधर आ गए जहां से हमने गुजरना था, वो जो छोटी सी जगह बनी हुई थी। और वो लड़का ने बाद में बताया कि ये जगह है इसलिए अगर पुलिस वालों को पता चल जाए तो वो इधर ही सबको पकड़ते हैं, ये जगह उन्होंने बस बनाई इसलिए, जाली लगाई है कोई बंदा भाग ना सके, इसके गुजरना भी यहाँ से ही है, तो लिहाजा और कोई रास्ता भी नहीं था, तो अगर इनको पता चल जाए तो फिर पकड़ लेते हैं, ना पता चले तो फिर गुजर जाते हैं, पहले भी काफी दफा गुजरे हैं। जो भी वहां से हम आगे निकले हैं ना, तो वो हमें जनाब आगे उन्होंने जाकर बैठा दिया वहां पे, उन्होंने खैर हमारी तलाशी वगैरह नहीं ली, अच्छे थे सर्बिया वाले, तो उन्होंने जनाब हमें आगे आगे वो पुलिस की आर्मी की गाड़ी लग गई है, एक आर्मी गाड़ी पीछे है साथ में दो पुलिस की गाड़ी है और पुलिस वाले हैं 4-5, वो हमें घुल मिल गए हैं और चल रहे हैं हमारे साथ। वो कोई 1.5-2 किलोमीटर में पैदल चला के ले गए अपनी चौकी पे, जहाँ पे वो चौकी थी उनकी, वहां पे गए उन्होंने लाइन पे जो बनवा ली हमें। और वहां पे वो कुछ लड़कों ने सिगरेटें उनसे मांगी, उनको सिगरेटें उन्होंने दी, कुछ ने पानी मांगा, उनको पानी मिला, और वो पूछने लग गए आप किधर से हैं, आप क्यों आ रहे हैं, क्या मामला है। एक दो इंडियन थे, कुछ 4-5 बंगाली थे, कुछ अफगानी थे, कुछ पाकिस्तानी पठान थे और पंजाबी थे, बस ये सारा माल रला मिला ही था। तो वो जो है ना वो आर्मी वाले जो थे वो शायद जर्मन के थे, जो हम हमसे पूछ रहे थे ऑफिसर, तो ऑफिसर बहुत अच्छे थे जनाब, उन्होंने अपने जो राशन का सामान था ना वो कहा कि इनको दे दें ये खा लें, क्योंकि हमारी हालत ही वो बांदरों जैसी बनी हुई थी वहाँ पे, भूख से बुरा हाल था और सारे बेचारे बेहाल हो गए हैं, कपड़े खराब हैं, ठंड से मर रहे थे रात को, क्योंकि ये इलाके जो है वो पहाड़ी के ऊपर थे तो अमूमन रात को ठंड वगैरह काफ़ी हो जाती थी। तो उन्होंने जनाब हमें 2 घंटे वहाँ पर बिठाया और तब तक जो दिन का सवेरा था ना वो बिल्कुल अपना निकलने के करीब आ गया हुआ था। तो उसने हमें जनाब वहाँ से अभी 4-5 पुलिस वाले और आ गए हैं गाड़ियाँ, उन्होंने हमें साथ लिया और उनके पास एक नाइट विजन दूरबीन थी। अब जहाँ से वो रास्ता मैं आपको बता रहा हूँ ना कि एक वो जो ज़्यादा पैसे देते हैं और वहाँ से क्रॉस करके चले जाते हैं, हमें वो बंजर जमीन में इस तरह उन्होंने ऊपर से घुमा के ना सड़क थी वहाँ पे ले गए, तो भी उन्होंने कहा कि यहाँ से आप भाग जाए मखदूनी, अभी इधर वापस नहीं आना वरना शूट कर देंगे, तो ये हमें इजाज़त नहीं कि आपको जो है ना वो इधर रखें, आप भाग जाए इधर से। हमने बहुत कहा कि यार प्लीज़ जाने दो, सर्बिया सर्बिया गो टू बोस्निया। वो कहते हैं ना बच्चे सवाल ही नहीं पैदा, बस क्या हम रेड क्रॉस हैं। तो
उसने कहा जी कितने लोग हैं, आपको कोई चीज चाहिए मदद? तो वो उसने बताया कि हम पहले भी यहाँ पे आते हैं, जो लोग यहाँ पे होते हैं उनको हम ना सर्वाइव करते हैं उनके लिए। तो वहाँ पे उन्होंने जनाब वो लड़कों से पूछा कि आपको क्या क्या चाहिए, वो कंबल लेके उन आ गए। थोड़ी देर बाद वो तीन चार लड़कों को साथ ले गए जनाब, वो रोटी के बड़े बड़े कार्टन, उसके अंदर जो है ना वो सोमियां थी, बंद थे, मैक्रोनीज थी, सालन था जो डब्बियों के अंदर होता है, और पानी वाली बोतलें थी, जूस थे। तो वो 70-80 जितने भी बंदे थे हम सबके लिए लेके आ गए, और 10-15 लड़कों को जो ज्यादा जिनकी हालत थोड़ी सी नाजुक थी ना, उनको उन्होंने कंबल दिए जनाब ऊपर लेने लेने के लिए। अब वो कंबल आपको पता ही है पाकिस्तान में किस तरह जो औरतें ऊपर नहीं लेती ये ब्रीक कंबल, उस तरह के कंबल उन्होंने दे दिए, और कुछ को ट्रोजर वगैरह दे दिए, कुछ को बैग्स दिए। तो उन्होंने मतलब कि अच्छा ट्रीट किया। हमने कहा जी वो कैसे हमें सर भी आ गए जाने देते, ये रिजक तो हमारे नसीबों में लिखा हुआ था अल्लाह ने, ये भी तो आके खाना था ना हमने, तो क्योंकि ये खाए बगैर हम आगे नहीं जा सकते थे। तो खैर जी वहाँ पे अभी फिर हमारा जो है ना वो शाम हो गई है, और फिर उसने कहा जी चलें अभी निकलना है हमने, तो आज इंशाल्लाह पार कर जाएंगे। अल्लाह अकबर, बहुत मुश्किल था जी। वहाँ से फिर उसने हमें चलाया और उठ गए हैं तकरीबन सह पहर का टाइम ही था जी बिल्कुल। तो सह पहर हम वहाँ से उठे हैं, उठ के तो ऊपर पहाड़ी पे चढ़े हैं, वहां से फिर सुबह का जो है ना वो हमने दिन दिन में ये गेम लगाने का फैसला कर लिया। वहां से हम निकले और एक पहाड़ पे चढ़ गए, अभी वहां पे शाम हो गई। उसने कहा जी अभी यहाँ पे अब सब लोग फिर सो जाएं, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम जल्दी जो है वो पहुंच जाएंगे अपनी मंजिल की तरफ। जिधर सोए हुए थे वहां से फिर हम उठ गए ना, तो उसने मैं चलाया ऐसे करके हम पहाड़ के ऊपर चढ़े। तो वहां पे आ गए अब जो ना वो सड़क आ गई, फिर वो ही सड़क जो रात को क्रॉस की थी, लेकिन इस दफा जगह और थी। इस दफा हम जा रहे हैं बुल्गारिया के बॉर्डर की तरफ, हमें सामने बुल्गारिया के पहाड़ नजर आ रहे हैं, ये पहाड़ जले हुए वो सरसब्ज और इतने घने, वो कहता वो सामने बुल्गारिया के पहाड़ है मकदूनी और सर्बिया के बॉर्डर पे। तो किसी ने जाना है बुल्गारिया? हमने कहा यार तेरी मेहरबानी, तुझे इतने ले के चले ना सानू उधर ले के जा। तो वो दो लड़के थे, तो वो एक तो इंतहाई चगल टाइप भी था, वो काफी गाली निकालता था लड़कों को। तो फिर वहां पे जो है ना वो जनाब काफी मजा आया, और हमने वो सफर ट्रेवल खूब इंजॉय किया। लड़के बेचारे बेहोश हो गए वहां पे चल चल के, वो सारा दिन धूम में हम चल चल के पहाड़ इतने चढ़े के मेरे को जीवन दे, वो क्या बोलता है यार, वो इतनी मुश्किल थी वहां पे ना। तो बदपरवर उसने हमारी बात नहीं सुनी, वो कहता है साईं चलो चलो इधर तो बहुत ये जो है वो खतरा है, पीछे से पुलिस आ गई तो पकड़े जाएंगे सारे। साईं बदपरवर वो तो चिल्लाता रहा है हमें वहां पे बहुत ज्यादा। तो वहां से जो ही हम निकले हैं साईं, तो आगे फिर बहुत बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ आ गए हैं, हम वहां पे बैठे हैं। तो उसने कहा जल्दी से पानी पी लो, अभी सबके पास पानी भी था खाना भी था। एक लड़का वहां से गिर गया, उसकी जो टांग है उसके ऊपर चोट आ गई, और फिर वहां से उसको एक लड़का था हमारे पास बट बिल्ली आंखों वाला था, उसका नाम पता नहीं अब क्या है, तो मून मून भाई थे। तो उन्होंने जो है ना वो उस लड़के को यार सारा दिया, मून बहुत अच्छा लड़का था, उसने जो है ना वो यकीन करें वो लड़के की टांगें बिल्कुल काम नहीं कर रही थी, वो मुझसे भी गया गुजरा था। लेकिन मेरे जो है ना वो वहां से जो मैं बैग लिया था, तो मैंने अपना फर्स्ट एड का सामान फिर उसके अंदर रख लिया। तो मैंने उसको जो है ना वो मूव क्रीम जो इंडियन मूव होती है वो वाली, उसको हल्की हल्की बाम मसाज की उसके, और अपने भी वो मैं कर लेता था क्योंकि मुझे पता था पहाड़ फिर चढ़ने हैं, तो आज से वो बंदोबस्त करके निकलता हूँ। अपना भी किया, उसको भी दिया, फिर जनाब को गोलियां वगैरह थी मेरे पास वो भी उसको दी, तो जो हो सकता था। तो एक दो लड़के बेचारे जो उनसे नहीं चला जाता था, तो उनकी जो है ना वो लड़के उनको पकड़ पकड़ के खींच खींच के लेके आते, और फिर हमने काफी पहाड़ जो है ना वो चढ़े, और वो सर्बिया के सबसे ऊंचे पहाड़ थे। अभी शाम जो है ना वो जो जो शाम हो रही है ना, तो हम एक चश्मे के पास पहुंच गए। तो उसने कहा कि यार ये सड़क है इसको अभी क्रॉस करके, तो इस पहाड़ पे चढ़ के इसकी दूसरी तरफ जो है ना वो हमने निकलना है। तो वो सामने शहर के सामने से आगे निकल के, तो एक जो शहर है उसका नाम है बोजानवाज आप उसको भी बोल सकते हैं, या बोयानवाज भी आप बोल सकते हैं उसको, वहां पे कैंप है रेफ्यूजीज कैंप, तो उसमें हमने जाना था। अभी सर्बिया के अंदर एंट्री हो गई हमारी, बॉर्डर बॉर्डर हमने पार कर ली है, एक दिन का पूरा सफर भी हमारा बॉर्डर से आगे का हो गया, मतलब काफी आगे, लेकिन चल पहाड़ों के ऊपर रहे हैं। तो उसने कहा अब खतरा तो यहाँ पे कोई नहीं, लेकिन यहाँ से अभी हमने कैंप की तरफ जाना है, तो ये रेलवे ट्रैक वो सामने रेलवे स्टेशन है वहां से आगे हमने जाना है, तो लेकिन ये पहाड़ बड़ा जो है क्रॉस करना पड़ेगा। तो वो पहाड़ इतना ऊंचा था कि ऐसे करके हम देखते थे ना, वो माको से भी ऊंचा पहाड़ था। माको तो एक शुरू पे आता है, तो वो उनके लिए ऊंचा या खतरनाक पहाड़ था जिन्होंने आगे पहले पहाड़ नहीं देखे होते। लेकिन जब ये पहाड़ देखे है ना, कसम से मुझे ये लगा कि माको इसके आगे कुछ भी नहीं।
अगर कोई बंदा हमें कहता है ना जी पाकिस्तान से दोबारा जो है ना वो आप आ जाए यहाँ इस तरह का कर ले, अभी हमारे लिए मुश्किल नहीं डेंकी लगाना, यहाँ आ गए यहाँ से पहाड़ों पे चढ़ना ये इधर से जाना, तो जो पीछे वाली डेंकी है वो तो इतनी मुश्किल है ही नहीं यार, इतनी मुश्किल नहीं है जितनी मुश्किल ये आगे वाली डेंकी थी ना हमारे लिए। तो इन सब से पाकिस्तान से लेके तुर्की आना और तुर्की से यूनान आना, यूनान से जनाब सर्बिया जाना, ये सारा सफर एक तरफ, और सर्बिया से बोस्निया जाना, ये बोस्निया तक का सारा सफर एक तरफ रख लें, सर्बिया से इटली जाने का जो 15-20 दिन का या 8-10 दिन का सफर है ये सारा एक तरफ है, ये सारा ये इटली वाला उससे भी ज्यादा मुश्किल है। तो क्योंकि इसमें आपने खाना सब कुछ अपना साथ लेके जाना होता है, आपके मरण और जीने का जो है वो आप खुद ही हैं, रास्ते में जंगल में शेर खा जाए आपको को मार दे या पुलिस आपको पकड़ ले आपको सजा हो जाए, वो ये इंतहाई खतरनाक और रिस्की टाइप था। तो वहां से फिर उसने जो है ना वो हमें कहा जी अभी यहाँ से ऊपर चढ़े, तो वो बिल्कुल इतनी पतली सी गली थी जनाब उसके ऊपर अंदर वो वाटर वे बनी हुई, तो वो बिल्कुल ऐसे ऊपर चढ़ना था, चढ़े जा रहे हैं चढ़े जा रहे हैं चढ़े जा रहे हैं, इतना चढ़ा चढ़ा के ना, तो वो एक जगह पे उसने बिठाया कहता सांस ले लो, तो अभी उसने कहा कि यार ये पहाड़ी की चोटी पे चढ़ जो दूसरी तरफ उतरना जो है ना वो आसान है क्योंकि अभी अंधेरा भी हो रहा है तो नजर भी नहीं आ रहा, एक दफा इसके ऊपर चढ़ लें तो ऊपर जाके सो लेंगे तो फिर सुबह वहां से जो है ना वो हम निकलेंगे आहिस्ता आहिस्ता, तो अल्लाह खैर करे आगे पहुंच जाएंगे। फिर वहां से हम जो वो किसी तरीके से मरमरा आके जो है ना वो 3-4 घंटे में हम ऊपर चढ़ गए चोटी पे, और वहां पे वो निकालने लगे तो उसने मैप खोला तो अभी वो देख रहा है, तो जो उसका मोबाइल उसने ना वो ऐसा करके मैप चला रहा है, तभी उसने कहा जी हम इधर हैं इधर हैं इधर, ओ यार गलती हो गई हमने इस तरफ जाना था तो हम इस तरफ आ गए हैं, तो अभी ये चोटी को दोबारा जो है ना वो उधर से ऊपर से क्रॉस करें यहाँ से ऊपर चढ़ें और दूसरी तरफ हमने जाना है, हम रास्ता गलत पे आ गए हैं, लो भी मर गया, अब फिर नीचे एक दफा उतरना है क्योंकि चोटी तो वो बहुत ऊपर थी, हमने फिर उसके साइड से ऐसे करके घूम के ना तो अगली तरफ आ गए हैं, तो वहां से नीचे उतरना शुरू हो गए हैं। तो अभी वहां पे जो दरख्त कटे हुए थे जनाब उसने कहा जी बैठ जाएं आज रात आप लोगों ने इधर सोना है, बारिश भी हो रही थी हल्की हल्की, तो इनशाला यहाँ से सुबह हम आगे मूव करेंगे। तो वो वाली रात जो थी ना वो कयामत की रात थी, और इतनी शदीद किस्म की रात थी कि जंगल है गिद्धड़ों की और जंगली जानवरों की आवाजें आ रही हैं, हम बेसरो सामान जंगल में पड़े हुए हैं और सब सोए हुए हैं अपनी अपनी जगह पे, मतलब प्रोटेक्ट नहीं है वहां पे हम, तो इतनी सर्दी थी कि हमने स्लीपिंग बैग भी लिए हुए थे ऊपर, और उसके अंदर भी इतनी सर्दी लग रही थी कि मेरे ये जो ना यकीन करेंगे जो गोडे थे ना टख जो घुटने होते अभी टखने और घुटने और ये वाली जो है ब्राचो ये सारी जो है ना ये इतनी दर्द कर रही है सर्दी की वजह से, इतनी दर्द कर रही है, तो सारे लड़के जो है ना वो बेचारे अपने इस तरह उन्होंने अपने अपने जो घुटने हैं ना वो पकड़े हुए हैं, और सारे कभी कोई उठ के बैठ जाता है, कोई कहता है यार आप मेरा तो भी कंबल नहीं, कोई कहता है यार साथ हो, कोई कहता यार तू आजा मेरे स्लीपिंग बैग बढ़ के दोवे जब भी पा के सोने हैं तो जरा हीट हो जाएगी तो सर्दी ना लगेगी, तो इस तरह जिस तरह लड़के फिर अपने अपने दोस्तों के साथ आए हुए थे तो वो फिर इस तरह मिलके सो गए, या एक ग्रुप बना के मतलब 5-6 लड़के हैं तो वो ऐसे इकट्ठे हो गए सो गए हैं, यार तू मेरे नाल लग के सो जाए, तू मेरे नाल ओए भाई तेने भी सर्दी लगती भी तू भी आ जा साढ़े बीच, तो वो इस तरह है कि ना वो चेन उन्होंने लाइन बना ली वो सारे पैरालल सो रहे हैं एक दूसरे के, तो इकट्ठे जब सोए हैं तो फिर जो है ना वो एक दफा आंधी आई है, अच्छा भला तूफान आया जनाब, तो उसके साथ बारिश भी आई है, तो सारे उठ के फिर बैठ गए हैं, फिर जनाब अभी मैं तो उनके अंदर बूटों समेत ही सोना पड़ता था, बूट तो इसलिए नहीं उतारते थे कि हो सकता किसी वक्त भी यहाँ से भागना पड़ जाए या निकलना जो है ना वो हो, तो फिर बंदा बूट ही अपने तलाश करता रहे, डेंगी में बूट नहीं किसी जगह पे भी उतारते ना, रात को सोते वक्त ना दिन को चलते वक्त ना बैठते वक्त, बूट आपने पहने बेशक वो आपने 1 महीना बूट पहने ही रखने हैं, तो कभी कभी फिर बंदा उतारता है जब देखना है कभी जो है ना वो पैर पाँव गलने लग गए हैं या कुछ परेशानी हो रही है, तो वहां पे हम सोए हुए हैं तो उसने कहा कि यार अभी सर्दी बहुत लग रही है तो उठ जाओ सारे लोग, तो उठ के जो है ना वो थोड़ी हरकत करो ताकि आपकी जो है ना वो मसला ना बन जाए आप फ्रैक्चर ना हो जाए किसी को, तो फिर उसने उठाया सबको और वैसे ही कहता है एक दफा पहाड़ी के ऊपर चढ़ो और फिर उधर से नीचे आओ फिर इधर चढ़ो फिर नीचे आओ गर्म हो जाओ एक दफा, तो हमने कहा यार तेरी मेहरबानी तो सानू बैठा रहने दे असी नहीं जाना, इन जी ठीक है बस जो तो चलना होया ना, तो अभी अंधेरा था 3 सुबह 3 साढ़े 3 का टाइम हो गया था, तो आंख तो लग नहीं रही थी वहां पे, तो इतनी वाइब्रेशन वहां पे मैं कम कम के जिस तरह वो ऐसे करके सोया हूँ ऐसे जो है ना वो अपने टांगों में सर दे के ऐसे करके, तो साथ में अम्मा जी कितने फंस गए हैं, तो वो बस ऐसे ही करके जो है ना वो सारी रात इस तरह करके निकाल दिया। 3 बजे वो लड़के उठ गए, उन्होंने जना बारिश का थोड़ा सा एक जो है ना वो हम पे बादल बरसा थोड़ा सा, तो लड़कों ने फिर अपनी सिगरेटें वगैरह वहाँ पे सुलगाई हैं, तो जनाब है कपनों के चस ले रहे हैं वहाँ पे, फुल्ली माहौल का चेंज हो गया और ललकरे मारने शुरू कर रहे हैं गोरे हो तो ऐसी तैसी ऐसी आए जे,
तो वहाँ पे 2-3 घंटे और हमने गुजारे। तो जब थोड़ा थोड़ा दिन जो है ना वो निकलना जो है ना वो हो गया ना, उसने कहा जी अब निकले, तो वहाँ पे फिर जो है ना वो मैंने साथ साथ वीडियो भी बनाई, और वहाँ से अभी ये हम उठ के जो है ना वो जा रहे हैं। तो मैंने ऐसे करके कैमरा किया हुआ था क्योंकि अगर उसको पता चलता ना तो उसने मोबाइल भी ले लेना था, और वीडियो जो है ना मैंने अभी बड़ी आगे तक बनानी थी। वहाँ से फिर मैं वीडियो भी बना रहा हूँ और वो बंदा हमें जनाब वहाँ से चला के लेके जा रहा है। तो चलते जा रहे हैं चलते जा रहे हैं, आगे जाके ना वो आगे एक सड़क आ गई बड़ी, तो उसने कहा जी यार अभी बड़ी सड़क पे नहीं चढ़ना, यहाँ पे भी खतरा है, अगर पकड़ लिया तो वापस बोर्ड करेंगे। तो आप लोग ऐसा करें कि यहाँ से ना ये पहाड़ है इसके ऊपर से चढ़ें, इसके दूसरी तरफ से उतरेंगे। वो मर गए यार, सुबह सुबह फिर पहाड़ से तो सानू चढ़ना पे, सानू सड़क पर लै जा, नहीं इधर जाना, नहीं कुछ फटदा हो तेन, नहीं नहीं यार रिस्क नहीं लेना, अल्लाह दे बंदे हो तू चढ़ो उत्ते। तो वो भी तकरीबन जो है ना वो यार आप ये समझ लें 3 घंटे हम वहां पे ऊपर चढ़े हैं, पहाड़ के ऊपर बहुत ऊपर चढ़ गए हैं। जब दूसरी तरफ हमने उतरना था तो वो बिल्कुल ऐसे नीचे उतरना था। अभी यहाँ मैं ये चोटी है पहाड़ की, इस तरफ से चढ़े हैं तो इधर से आके ना वो बिल्कुल ऐसे करके हमने उतरना था, बिल्कुल अगर वो यहाँ से कोई बंदा भी गिरता है ना तो वो उसने ऐसे आना था, और यहाँ से फिर नीचे बिल्कुल ऐसे उतरे हैं। तो उसके ऊपर दरख्त थे उनकी, फिर टहनियाँ पकड़ पकड़ के हम नीचे उतरते रहे आहिस्ता 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 से, आगे एक सड़क आ गई। फिर हमने कहा जी हमसे पहाड़ पे नहीं चढ़ा जाना, बस ऐसे ही हमने जो है ना वो चढ़ना है। तो आगे जो है ना वो हम एक बड़ी सड़क पे चढ़ गए, वहां से गाड़ियां आ रही थी, हम उस तरफ जा रहे थे, तो वहां पे एक ट्रक वाला आया, उसने कहा है कि इधर ना जाएं आप लोग, इधर तो बहुत आप ऊपर चले जाएंगे, आप यहाँ से नीचे जाएं। तो उसने हमने पूछा ना कि हमने जाना है बोयानवास में कैंप में, तो उन्होंने कहा जी इधर से जाओ, ये इधर से गाँव से ये बाजार से निकल के ना तो आगे रेलवे ट्रैक आ जाएगा, वो ट्रैक पकड़ लो सीधे आप बोयानवास पहुंच जाएंगे। तो वहां से हम जो है ना वो पीछे पलटे तो 2-3 आर्मी की गाड़ियां आ गई यार वहां पे। फिर जो ही वहां पे आर्मी वाले आए उन्होंने हमें देखा ना तो वो मुस्कुराने लगा और गाड़ियां वहां से आगे निकल गई। तो हम लोगों ने कहा चलो यार शुक्र है बच गए हैं ना, सानू पकड़िया नहीं। तो वहां पे फिर हम जनाब वो गली में एंटर हो गए हैं, तो लोग सारे निकल के वीडियोस बना रहे हैं, हमें देख रहे हैं जी, वो देखें लोग जा रहे हैं, वो देखें जा रहे हैं जी। तो जो सबसे आगे थे ना तो अचानक हमने देखा कि वो उन्होंने ना कहीं हल्ला बोल दिया किसी चीज के ऊपर, तो हम भी दौड़ के जो है ना वो उनके करीब जब पहुंचे हैं तो वो जो डैंकर था उन्होंने मारना शुरू कर दिया, डैंकर ने लड़कों को सोटी उसने पकड़ ली, कहता तुम साडा राह बंद कराना, निकलो भैन दे दीने हो, अगर निकलो 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 तुहाडी ऐसी दीदा जी। वहां पे लगे हुए थे कोई जो है ना वो 15-20 लगे हुए थे सेबों के और अनार जो है उनके दरख्त, तो वो लड़कों ने अनार भी उतारे वहां से, सेब भी उतारे, तो भूख लगी हुई थी, अंत भूख लगी हुई थी, 2 दिन हो गए थे जलील हो रहे थे पहाड़ों के अंदर, खाया पिया कुछ भी नहीं था, तो चला भी नहीं जा रहा था कसमें भूख से। तो वहां पे जो है ना वो फिर हम पीछे थे, हमने भी फिर वो ना बस गुजरते गुजरते वो बस हाथ मारा तो सेब आ गया और अनार आ गया, सेब 2-3 मैंने उतार ली है बैग में डाली है। तो वहां से भी हम चलते गए, वो हमें चला ही रहा, कहता भजो भजो भजो, जेड़ा इतने पीछे रह गया वो रह गया। तो धूप जो है वो सुबह टाइम जनाब तकरीबन को 12 का टाइम हो गया था, इतनी धूप ऊपर से जो है ना वो लग गई है, जो सिर पाट रहा है तो सीधी सर में आके धूप लग रही है। और वहां पे हम अभी निकले हैं तो वो कभी खेतों खेत आ जाते हैं, मकई के खेत, कभी जो है वो चारे के खेत आ रहे हैं, चलते ही जा रहे हैं चलते ही जा रहे हैं। आगे फिर जो है ना वो हमारा रास्ता एक सड़क साथ और साथ में एक मोटरवे भी हमारे साथ आ गई ना, तो उसके दरमियान अभी जब हम पहुंचे हैं ना तो वो रेलवे ट्रैक जो है वो वहां पे टर्न लेता था और सड़क भी थी, तो वहां पे वो जब मालगाड़ी आती थी तो वो स्लो हो जाती थी, तो वो लड़के कुछ कहते हैं यार इधर से बैठ जाते हैं। तो खैर उन्होंने जी हमें कहा कि आप जो है ना वो इधर से अभी आगे जाना है, जिस जो हमारे साथ आ जाएगा हम उसको ले जाएंगे, जो हमारे साथ नहीं आएगा मिलेगा हम उसके जिम्मेदार नहीं है, वो अपना जिम्मेदार खुद होगा। सर भी ये बात उन्होंने की है तो कुछ लड़के जो ज्यादा स्पीड वाले थे वो उनके साथ चल पड़े हैं, तो मैं हमेशा पीछे ही रहा हूँ सफर में क्योंकि नहीं चला जाता था यार, अपनी अपनी हाल होती है हालत। तो मैंने कहा कि यार ठीक है, हम 3-4 लड़के थे, हमने कहा ठीक है यार तुमने जाना है तो जाओ हम आ जाएंगे, पता है ना इसके साथ साथ ही जाना है तो पहुंच जाएंगे। उसने कहा इसके साथ ही वो कैंप है उधर आ जाए बस, अगर कोई आया जा सकता है कहीं से। तो हमने कहा जी ठीक है, अभी मुझे रास्ते में प्यास लगी, एक लड़का और मेरे साथ था अभी उसका मुझे नाम नहीं याद कि वो कौन था शहजादा, तो ना आगे 2-3 बाबे बकरियां चरा रहे थे भेड़े वगैरह। तो जब उनके पास गए ना तो उनको हमने कहा कि पानी है तुहाडे कोल पीने वास्ते, मैंने कहा प्लीज कैन यू गिव अस वाटर, तो वो कहते वाटर, उन्होंने अपनी को बोंगी मारी है। तो मैंने ऐसा किया, मैंने कहा वाटर वाटर पानी आब सू, तो सू जो है वो तुर्किश जुबान में पानी को कहते हैं ना, तो आप जो है वो फारसी में कहते हैं।
तो मैंने कहा जी ऐसे करके, तो वो कहता है, और नैरो जो है वो कहते हैं उसमें ग्रीकी जबान में, मैंने ये जितने आते थे मैंने नैरो आब सू वाटर पानी, तो वो कहता है ओ वाटर वाटर, मैंने कहा यस यस वाटर। वो मुझे साथ ले गया और ना वो सड़क के साथ ही एक चश्मा बना हुआ था, नीचे से पानी जो है ना वो चश्मे से आ रहा था, तो उसने ऐसे करके जनाब वो दो बोतलें थी मेरे पास, उसने वो साफ पानी इतना प्यारा चस वाला पानी उसने दिया पीने के लिए। तो आगे मैं जब गया ना तो वो ट्रेन की पटरी के ऊपर हम चढ़ गए, वहां पे लड़के जनाब एक तरफ ना वो नाला टाइप बना हुआ था गंदा पानी उसमें, कसम में लड़के वहां पे बैठे हुए हैं जनाब, वो पानी पी रहे हैं और वहां पे वो नहा रहे हैं, वो उसके अंदर बड़ी मौजें कर रहे हैं। तो जब मैंने वो पानी देखा ना तो मुझे तो देख के उल्टियां आना शुरू हो गई, मैंने कहा यार इन्होंने अभी ये पीना है और ये देखो कितना गंदा और ऊपर झाग बनी हुई है। वो तो कहते हैं यार अब क्या करें, मरना थोड़ी है। तो वहां पे खाया तो हमने 2 दिन से कुछ नहीं था, तो यकीन करें पेट के अंदर चूहे दौड़ रहे थे और मेरा भी यही दिल था। मैंने वो लड़के साथ वाले का मैंने कहा यार यहाँ पे बैठ जा, यहाँ तो इधर से ना वो पंप पे जाते हैं तो किसी टैक्सी वाले या बस पे बैठ के चले जाएंगे या कोई गाड़ी करवा लेते हैं उसको पैसे दे देंगे, तो मुझे चला नहीं जा रहा अब क्योंकि पेट में कुछ चीज नहीं थी चलने वाली, तो क्या खाते क्या चलते वहां पे। यार उसने कहा यार तगड़ा हो कुछ नहीं होता, तो अल्लाह खैर करेगा तुम चलो, क्योंकि मैं अकेला था और तो मेरे साथ साथी भी कोई नहीं था, कोई दोस्त के जिसके साथ मैं निकलता। वो जो चाचा था मेरे साथ वो चाचा भी बेचारा थोड़ा सा कमजोर था, लेकिन वो एक बंदा उसको मिल गया था, उसने चाचे को इधर से पकड़ा हुआ था और एक हाथ मोड़े पर रखा हुआ था, चाचे को भगा के साथ लेके जा रहा था। वो कहता बुजुर्ग आदमी है यार ख्याल करना है चाचे का। तो जो ही वहां से फिर जो है ना वो गंदे पानी लोगों ने पिए भरे, मुझे तो देख के उल्टियां आ गई। खैर फिर वो हम पटड़ी के ऊपर चलते जा रहे हैं चलते जा रहे हैं, पटड़ी 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 ओ आगे तक। तो वहां पे फिर हम जाके एक जो है ना वो गाँव वहां उसमें दाखिल हो गए और गाँव वालों ने जो है ना वो हमारे देख के तो घबरा गया कि ये फौज कहाँ से आ रही है। तो उस गाँव के अंदर भी सेब थे, शतूत का दरख्त थे जिसको गोले कहते हैं, और वो लगे हुए थे, तो हमने वो भी जो है ना मैंने फिर उतारी और खाई, कुछ पेट को हौसला हुआ। तो उनसे फिर हमने पूछा कि कैंप बोयानवास कैंप रिफ्यूजीज कैंप, तो वो ना दो लड़के और एक लड़की आ रहे थे शायद कॉलेज से, उनको मैंने कहा सोचा कि इंग्लिश आती होगी, मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा कि गो स्ट्रेट 10 मिनट्स एंड देन टर्न लेफ्ट साइड देन गो अहेड देन यू सी देर आ बिग बिल्डिंग वेयर राइट आ कैंपस बोयानवास। तो बस इस तरह उन्होंने कुछ बोला तो मैं ये भी समझ लगी, मैंने कहा चले बहुत शुक्रिया, थैंक यू, थैंक्स फॉर टू यू फॉर दिस काइंड ट्रीटमेंट बिकॉज वी आर न्यू हेयर। तो कहते हैं ओके 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 नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। तो जो ही वहां से फिर हम आगे निकले हैं, तो वो जनाब फिर हमने क्रॉस किया है ना स्टेशन रेलवे स्टेशन, तो वहां पे भी वो जो डैंकर था उसने लड़का भेजा, उसने कहा कि देख पीछे जितने भी रह गए ना उनको भी लेके आ, वो उधर बैठे थे तो हम भी वहां पे पहुंच गए। उसने कहा यार ये तो सीधे के निकल जाओ तो सड़क के सामने आस पास कैंप जो बांट जाओ, तो शुक्र किया जनाब वो कैंप आ गया। तो जो ही हमने वो उनके पास हम थोड़ी देर ठहरे आना, तो उन्होंने कहा कि अभी आप निकल जाए वहां पे कैंप में जाए हम भी आ जाएंगे आपके पीछे। वहां पे गए हैं जनाब तो देखा है तो वो शहजादियों की लाइन लगी हुई है, सारे लड़के लाइन में खड़े हैं, तो भी वो वहां पे चेकअप कर रही हैं सारे सब लोगों का, जितने भी नया आया, किसी को खुरक तो नहीं पड़ गई, किसी को खारिश या किसी को कोई, तो वो इस तरह की शर्टें थी ना तो वो हमने शर्टें उतारी, तो शर्टें जो है ना वो इसको उल्टा करके ना तो ये वाली जो जगह है ना ये वाली जहाँ पे चेक कर रही थी मशीन लगा के, पता नहीं अब वो बीमारी कैसे चेक कर रही थी, वो ऐसे खोल खोल के। तो यकीन करें बहुत से लड़के जो थे ना उनकी ये शर्ट की जो अलग बाल बोल यहाँ पे कोई नहीं, किसी के बालों में बाल नहीं थे, लेकिन उन्होंने ये शर्टें उल्टी करके जितने लड़कों की देखी है ना किसी के अंदर से जुएं निकल रही हैं पिस्सू निकल रहे हैं, वो पता नहीं हम उसकी स्पीति पे रह के आए थे तो वो इसलिए था। तो वो भी फिर जो यूएनओ वाले हैं ना वो भी इसलिए चेक करते हैं कि ये लोग इतने दिन जंगलों में रहते हैं, तो जंगलों के अंदर जो है ना वो इस तरह का होता है निज़ाम के जरासीम होते हैं वहां पे, ये छोटे छोटे जो है ना ये पिस्सू टाइप या पिदियाँ और ये जुएं वगैरह जो होती हैं वो फिर होती हैं, तो उनको पता चल जाता है कि ये और तो कहीं रहती नहीं, यहाँ सर में होती हैं तो यहाँ इधर आके छुप जाती हैं, ये दो ही महफूज जगह है, बाकी जो है ना वो हर जगह में तो पानी लगना होता है या जो भी निज़ाम होता है। तो उन्होंने इधर से सबको चेक किया तो खारिश खुरश किसी को भी नहीं थी, 2-3 लड़कों को निकली थी उनको फिर उन्होंने जो है ना वो अलहदा सेपरेट एक कमरे में रखा। तो वहां से जनाब मेरी फिर बारी आ गई, तो मुझे भी उसने नाम वगैरह मेरे लिख लिया, मुझे चेक किया, कपड़े तुड़वा दिए, डॉक्टर टाइप थी कि नर्स थी वो, तो वहाँ पे सबका चेकअप करने के बाद उन्होंने कहा जी अभी आप वो अंदर जाएं, तो उसने हमें साबुन वगैरह दिए, एक एक साबुन और एक एक जो ना वो तौलिया, और उसने कहा जी ये आप ले लें और अंदर जाके नहाएं, नहा के तो आपका इतने नंबर कमरा है वो आप चले जाएं।
तो वहां पे सबसे पहले जाते ही ना मैंने वो जो साथ में एक दो दोस्त बने हुए थे उनके साथ हमने कमरा तलाश किया। कमरा तलाश करने के बाद फिर उधर जाके सामान अपना रखा, बेड अपना वो डबल बेड ऊपर नीचे बने हुए थे हेठ उते, तो वो बेड पसंद किए जनाब, उते सामान रखा। तो बाद में उन्होंने जो है ना वो कहा जी आ जाए जितने भी नए लोग आ गए हैं खाना खा ले, आके खाना खा ले। तो कार्ड उन्होंने मैं तभी बना के दे दिया था। तो जो ही हम वहां पे नीचे गए हैं तो खाने वाली तरफ, तो वो एक ना बड़ी सी बड़ी शानदार मेस टाइप बनी हुई थी जनाब, जिस तरह आर्मी में या पुलिस वालों की मेस होती है, आगे बेंच लगे हुए हैं और बेहतरीन सा सिस्टम है वो, इस तरह लाइन बनी है। तो इधर से वो खाना लेते हैं, इस तरह टेबलों में आ जा रहे हैं, लाइन में खाना ले रहे हैं, टेबलों में आ रहे हैं। तो सबका वहां पे पेजेस पे नाम लिखा हुआ था और नंबर लिखा हुआ था, जो जाता है वो उधर अपने सिग्नेचर करता है, खाना लेता है और बैठ के खाता है। फिर वहां पे हमने जनाब खूब चेस मारी, खाना खाया और सर्बिया पहुंच गया, सर्बिया के कैंप के अंदर। अभी वहां पे जो है वो मुझे एक और शहजादा मिल गया, अपना दोस्त, अपना भाई जिगर अपना, जिसका नाम सनी चीमा था और वो भी अफजाबाद से था। जब मैं डिपोर्ट होकर पाकिस्तान गया था ना ये तुर्की से, तो वो लड़का पहुंचा था हमारे जो है ना वो गांव के साथ, उनका गांव है बाका भटिया, आपने सुना होगा अफजाबाद के इलाके में बाका भटिया है, सलार भटिया, खानगा डोगरा, ये साथ साथ ही गांव है सारे, पिंडी भटिया हो गया, साथ सुखे की, सुखे की से हमें हमजा गिल साहब देखते हैं जनाब, तो और बहुत से भाई सुखे की से देखते हैं, कोड सर्वर इंटरचेंज हो गया, ये सारे करीब करीब ही हैं। तो वहां से वो था, तो जब मैं तुर्की आया तो वो तुर्की से यूनान आ गया, जब मैं यूनान आया वो यूनान से सर्बिया पहुंच गया, और मेरा उससे रब्ता हुआ, वो कहता है बाबा जी आज वो गेम रल के करांगे। तो मुझे नहीं पता था कि वो उसी कैंप में था, फिर उससे मेरी मुलाकात हुई और मैं भी बहुत एक्साइटेड हो गया। अगर आप देखना प्रदेश में अपने गाँव का अपने इलाके का बंदा मिल जाए और फिर जो है ना वो बंदा एक्साइटेड तो होता ही है। तो मैंने जो है ना वो मेरा कजन भी है, तो मुझे फिर बहुत खुशी हुई, मैंने कहा यार तो वेले मेरे बाबा छड़ के आ गया जना, तो तेरा भरा मगर आ गया है। वो अपनी मैं वीडियोस में बताता रहा हूँ आपको कि मेरा कजन भी था एक जो अभी रिसेंटली इटली पहुंचा है, तो उसके साथ मैंने वीडियो भी एक अपलोड की थी, तस्वीरें भी शायद आपको शेयर की हुई थी। तो वही कजन था मेरा, वो उसी कैंप के अंदर था। तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में जनाब मैं आपको बताऊंगा कि वहां से फिर आगे हमारा सफर कैसा, और बोस्निया के कितने पैसे खर्चा आते हैं, वहां पे कैसे जाया जाता है आगे, किस तरह खुद अगर जाना हो, एजेंटों के साथ जाना हो आगे, उसकी बोस्निया की नहर पार करते हुए बहुत से लोग मर गए हैं सर्बिया से बोस्निया जाते हुए उस नहर के अंदर डूब के, तो हम बोस्निया किस तरह पहुंचे, वो नहर किस तरह पार की, आगे फिर बोस्निया के वो शहरों में किस तरह गए, तो ये इंशाल्लाह सारा जनाब आपके साथ शेयर करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए भाई को दें इजाजत, क्योंकि नींद आई हुई है, अभी मैंने सहरी कर ली है, तो सहरी के बाद आपको पता कितनी चस की नींद आती है। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में सुबह मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए दें इजाजत, अल्लाह हाफिज़।